सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। श्रीमद् भगवद् गीता भारत का गौरव ग्रंथ है, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए, हिंदुओं की आस्था लेकिन समूची मानवता की प्रेरणा। भगवद गीता वर्तमान की प्रासंगिकता है, वर्तमान की आवश्यकता है, बच्चों का संस्कार है। भगवद गीता युवाओं में सकारात्मक रचनात्मक चेतना का संचार है। गीता वास्तव में मानवता का श्रृंगार है। भगवद गीता की प्रेरणाएं जन जन तक पहुंचे। जीव गीता ने एक आह्वान लिया गीता जयंती के दिन, जब गीता उपदेश हुआ, जहाँ से गीता उपदेश हुआ वहाँ से लेकर के पूरे विश्व तक के लिए, जो जहाँ है एक मिनट एक साथ गीता पाठ। और ध्येय वाक्य है उसका, हम एक बने हम नेक बने। इस लक्ष्य के साथ आओ जुड़ें गीता से, आओ जोड़ें गीता से, बढ़ें सद्भावना में वातावरण की ओर, बढ़ें मुस्कुराती मानवता की ओर। एक मिनट एक साथ गीता पाठ, 23 दिसंबर गीता जयंती, प्रातः 11 बजे। हमारे बीच में जो पॉजिटिव इंडिया से जुड़े हुए उदय कुमार मन्ना जी भी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे संक्षेप में। वंदे मातरम, ये शब्द आजादी से पहले आया, आज हमें अपने सभी बच्चों तक ये पहुंचाना है। स्वामी जी, पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव भारत, दैट इज इंडिया। पहले हम लोग पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया करते थे, लेकिन जब से ये भारत शब्द आया, वैसे हिंदी में सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत निर्माण 9 साल तक लगातार ये भारत में अपने आप में एक आजादी का अमृत महोत्सव की एक ऐसी जन भागीदारी है। स्वामी जी, 190 कार्यक्रम करने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग अपने हर रविवार आरजीएस वेबिनार, राम जानकी संस्थान का आरजीएस वेबिनार होता है, हम लोग सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे, वेद प्रकाश टंडन जी जो शिक्षा ही नहीं संस्कार देने का काम कर रहे हैं, मैं इनसे जुड़ गया। आज इस संकल्प में सुझाव नहीं है, संकल्प लेना है। स्वामी जी, हम लोगों का कार्यक्रम हर रविवार होता है 11 बजे से 12:30 बजे, 190 कार्यक्रम हुआ है, यानी 1.5 से 2 घंटा समय देश के लिए। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, इसीलिए इन्होंने सभी बंधनों को तोड़कर राष्ट्र प्रथम के लिए आह्वान किया है। आरजेएस की तरफ से मैं घोषणा करता हूं कि हम लोगों का हर रविवार जो कार्यक्रम होगा वो गीता के श्लोक से शुरू होगा, और ये 2047 तक का संकल्प है, हर रविवार आरजेएस वेबिनार। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका संकल्प सार्थक हो, सफल हो।